एपीटीवी भारत आवाज देश की। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा सीट से जब भारतीय जनता पार्टी ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता और राज गायक हंस राज हंस को टिकट दिया, तभी यह साफ हो गया था कि यहाँ प्रचार काफी सुरीला होने वाला है, क्योंकि हंस तो खुद सुरों के शहंशाह हैं। वहीं उनके परिवार में बेटे नवराज और समधि दलेर मेहंदी भी भारतीय गायकी में बड़ा नाम है। इसके साथ ही मुरीद गायकों की भी कमी नहीं है। ऐसा ही एक नाम है खेसारी लाल यादव का, जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। गुरुवार को खेसारी ने सुल्तानपुर माजरा में हंस के लिए प्रचार किया और वोट मांगे। इस सीट दे उत्ते मैनू तकरीबन 30 साल हो गए ने इत्थे रहिंदिआं, और इत्थे दा जिहड़ा माहौल हैगा एकदम बीजेपी दे तरफ है, एक तरफा माहौल है। बता दें कि हंस के बेटे और बॉलीवुड सिंगर नवराज भी लगातार उनके पिता हंसराज हंस के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं हंस के समधि और नवराज के ससुर दलेर मेहंदी भी हंस के प्रचार में पसीना बहा चुके हैं। खास बात यह है कि हंस की तरह ये भी जहां जाते हैं सुरों से ही महफिल सजाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इन सिंगर्स के बाद अब हंसराज हंस के प्रचार के लिए गुरुवार को बॉलीवुड के सुपरस्टार सन्नी देओल भी नरेला के मंगला चौक पर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सन्नी देओल अपने 2.5 किलो के हाथ से विरोधियों के वोटों के हैंड पंप को कितना उखाड़ पाते हैं।